सीजन 14 से जुड़ी कई सारी खबरें और अपडेट्स निकलकर सामने आती हैं, जिनके बारे में सबसे पहले जानकारी हम ही आप तक पहुंचाते हैं। और उसी तरह का हमारे पास है आपके लिए एक स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है टॉप 5 न्यूज। वो 5 खबरें जो कि सीधा रिलेट करती है बिग बॉस सीजन 14 से, बिग बॉस के घर से और उस घर में रहने वाले कंटेंडर से। और इसी तरह से आज के लिए भी हमारे पास है आपके लिए टॉप 5 खबरें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैशाली गोकिया और चलिए जान लेते हैं आज की इन 5 खबरों के बारे में। तो जो पहली अपडेट है वो है कैप्टेंसी को लेकर। घर के नए कप्तान बने हैं अली गोनी। घर में वो जो डिस्को नाइट वाला टास्क हुआ था उसमें एंड तक खड़े रहे अली गोनी, यानी कि हॉल नाइट उन्होंने डांस किया और बाकी घर वालों की सहमति के साथ वो बन गए हैं घर के नए कप्तान। दूसरी जो अपडेट है वो ये है कि पवित्रा पूनिया और राहुल वैद्या की हो गई है फाइट कैप्टेंसी को लेकर। जी हाँ, नॉमिनेशंस में पवित्रा ने राहुल को बचाया अपने कपड़े डिस्ट्रॉय करके और फिर राहुल वैद्या ही अपने बाकी दोस्तों के साथ पवित्रा के खिलाफ प्लानिंग करते हैं। ये बात उन्हें चुभती है और वो राहुल को कहती है कि तू एहसान फरामोश है, मैंने तेरे लिए अपने कपड़े डिस्ट्रॉय किए और तू ये सब कर रहा है। और पहली बात, तू मुझे नहीं गिरा सकता है क्योंकि मैं लोगों को डोमिनेट करती हूँ, मैं खुद डोमिनेट नहीं होती हूँ। और इसी के साथ राहुल ने कहा कि तुम्हारी दोस्ती भी देखी है। पवित्रा ने भी कहा कि दोस्ती देखी निभाई भी, तुझे बचाया नॉमिनेशन से और तू ये सिला दे रहा है। और इस बात को लेकर उनका अच्छा खासा झगड़ा हो जाता है। तीसरी जो अपडेट है वो ये है कि बिग बॉस सीजन 14 के 2 कंटेंडर जो एलिमिनेट हो चुके हैं वो घर के बाहर मिले हैं और वो है नैना सिंह और निशान सिंह मलकानी। ये दोनों ही कंटेंडर्स अपनी अलग पहचान रखते हैं और बिग बॉस के घर में काफी अच्छा भी खेला, बट विद द फॉर्चून वो घर से बेघर हो चुके हैं और अब घर के बाहर उन दोनों की मुलाकात हुई है। उन दोनों की एक तस्वीर सामने आई है जहां पर वो दोनों एक मिरर में एक पिक्चर क्लिक करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में वो दोनों काफी खूबसूरत लग रहे हैं और नैना भी अपने अटायर में काफी प्यारी लग रही है। चौथी जो अपडेट है वो है राहुल वैद्या के प्रपोजल को लेकर कि आखिर दिशा परमार को उन्होंने प्रपोज किया तो दिशा का क्या रिएक्शन है। एक्चुअली उन्होंने प्रॉपर क्लियर वर्ड्स में खुद तो नहीं बोला है, लेकिन उनका बर्थडे का एक वीडियो सामने आया है जहां पर उनका एक फ्रेंड उनसे पूछ रहा होता है कि भाई तुम्हारे चेहरे पर ये चमक है, जो लाली है वो किस लिए है, इसलिए तो नहीं कि तुम्हें नेशनल टेलीविजन पर किसी ने प्रपोज किया है। तो यहाँ पर दिशा हंसती हुई नजर आती है, शर्माती हुई दिखाई देती है और अपना चेहरा छुपा लेती है, जिसको देखकर ये लगता है फैंस को कि दिशा ने क्लियर वर्ड्स में नहीं बट इनडायरेक्टली हामी भर दी है। पांचवीं अपडेट में हम बात करेंगे बिग बॉस सीजन 14 की टीआरपी को लेकर के। जी हाँ, शो अच्छी खासी पकड़ बना रहा है देश के लोगों के बीच में और सारे फैंस इसे काफी पसंद भी कर रहे हैं। बात की जाए पांचवें हफ्ते की टीआरपी के बारे में, तो इस हफ्ते की टीआरपी रही है 1.2 की रेटिंग रही है। बात की जाए वीकेंड का वार की, तो इस दिन की टीआरपी रही है 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक की वीकेंड का वार जहां हुआ था, जहां पर शहनाज और सुनिधि चौहान आए थे, उस दिन की टीआरपी रही है 1.5 की रेटिंग। जब से बिग बॉस सीजन 14 की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक बिग बॉस इस टीआरपी को कंटिन्यू करते हुए जा रहा है और उम्मीद है कि आगे और बेहतरीन परफॉर्म करेगा और फैंस को ये शो और भी ज्यादा पसंद आने लगेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर बार हर रोज टॉप 5 खबरें लेकर आती रहेंगी। वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमसे साझा करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी दूसरी खबरें और जानकारी आपको लगातार यूं ही मिलती रहेंगी, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। बिग बॉस सीजन 14 से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक खबर कटलेस अनसीन अनदेखा सबसे पहले जानने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।